हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के तहत रामपुर उपमंडल की दूरदराज कूट पंचायत के कंडे में शुक्रवार शाम बादल फटने से आधा दर्जन से ज्यादा गांव को जोड़ने वाले पुल बह गए हैं, जबकि पंचायत के चार गांव के लोग देश दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। इन गांव में आने जाने वाले वाहन और पैदल मार्ग सभी ध्वस्त हो गए हैं। कूट पंचायत के भेड़ पालक मवेशियों के साथ कंडे गए हैं, लेकिन वो सकुशल हैं या नहीं कोई पता नहीं चल पाया। कंडे से गांव आने का रास्ता भी पूरी तरह कट चुका है। चार गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बादल फटा है यहां पर और बादल फटने के वजह से यहां पर तबाही मची हुई है। कई गांव को जो जोड़ता था वो पुल बह गया है बादल फटने की वजह से, और चार गांव जो है उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बादल फटा है यहां पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में, और बादल फटने से जो पुल कई गांवों को जोड़ता था वो बह गया है, जिसके चलते जो संपर्क है चार गांव से टूट गया है, पूरी तरह से कट चुका है। आपको बता दें कि कंडे से गांव आने का रास्ता भी पूरी तरह से कट चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बादल फटा है यहां पर, और बादल फटने से ये तबाही मची है। वो पुल जो कई गांवों को जोड़ता था वो टूट गया है, वो ढह गया है, जिसके चलते चार गांव का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कई गांव को जोड़ने वाला पुल बह गया है। मॉनसून चल रहा है, समय बारिश का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है, और हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी बात की जाए तो बादल फट गया है यहां पर, और बादल फटने से ये तबाही मची है। वो पुल जो कई गांव को जोड़ता था वो ढह गया है, और लगभग चार गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। आपको बता दें कि कंडे से गांव आने का रास्ता भी पूरी तरह से कट चुका है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये बादल फटा है, यहां से बादल फटने की वजह से ये तबाही मची है। और हमारे संवाददाता लियाकत अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। लियाकत, कब और कैसे हुआ? जी देखिए, ये जो रामपुर शिमला का जो रामपुर क्षेत्र है वहां पर जो है बीती रात को जो ये बादल फटा है, इससे जो है तकरीबन कोई चार जो गांव है वो उनका संपर्क मार्ग टूट गया है, क्योंकि जो बादल फटने से जो नदी थी उसमें काफी ज्यादा बाढ़ आ गई, जिसके चलते जो है पुल पूरी तरह से टूट गया है और पूरा जो है संपर्क जो है बाकी क्षेत्रों से जो है इसका संपर्क टूट गया है। तो फिलहाल जो है वहां पर काफी जो जमीन भी है इस बादल फटने के चलते जो है बह गई है, तो जिला प्रशासन जो है दोबारा से अब उस पुल को बनाने का काम शुरू कर दिया है। और वहां के जो लोग हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सारा वहां पर जो है दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए जो नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो वो पूरी तरह से अब संपर्क टूट चुका है। जी 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 लियाकत, प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? पुल तो बना रहा है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो भी काफी बेहद परेशान होंगे वहां पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ये एरिया है पूरा जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो नदी है तो नदी को पार करके ही लोगों को जो जाना पड़ता है। तो प्रशासन ने हालांकि इस पुल को दोबारा से जो है बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही जो है वहां पर जो लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी पहुंचे हैं और पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो फिलहाल जो है लोग जो है जो नदी के उस तरफ है वो इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आने का जब तक ये पुल नहीं बन जाता है। तो ये प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि शाम तक जो है पुल को बना दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल लियाकत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता लियाकत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि ये जो पुल है वो टूट गया है बादल फटने की वजह से, और इस पुल ढहने की वजह से जो चार गांव हैं उनका संपर्क टूट गया। अब प्रशासन की तरफ से वो पुल को जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो शाम तक पुल बना लिया जाएगा। तो आपको एक बार फिर से पूरा मामला बता देते हैं कि बादल फट गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। बादल फटने की वजह से ये तबाही मची है, और यहाँ पर जो पुल कई गांव को जोड़ता था वो टूट गया है, जिसके चलते जो चार गांव हैं आसपास के उनसे संपर्क टूट गया है। इधर उधर जाने वाले लोग अलग अलग अपनी जगहों पर फंसे हुए हैं,
हालांकि प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि शाम तक इस पुल की मरम्मत कर दी जाएगी, बना लिया जाएगा। बादल फटने से ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मॉनसून चल रहा है लगातार, हर जगह बारिश की वजह से कहर बरप रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बादल फट रहा है। और यहाँ पर जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर बादल फट गया है और पुल जो है वो ढह गया है।